हमने सार्वजनिक मंच से इसके लिए उनका आभार जताया है। कि उन्होंने महान स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति के अनावरण के लिए अपना वक्त निकाला। 75 पंचगछिया ग्रामवासी के लिए ये एक बड़ी बात थी कि वो श्रद्धा सुमन अर्पित करने मेरे गांव आए। पूर्व सांसद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जताया आभार। सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर क्या कहा। कल सूबे के मुखिया नीतीश कुमार सहरसा के पंचगछिया गांव पूर्व सांसद आनंद मोहन के निजी कार्यक्रम में शामिल हुए। नीतीश कुमार ने पूर्व सांसद आनंद मोहन के दादा एवं चाचा की प्रतिमा का अनावरण किया और लोगों को संबोधित किया। नीतीश कुमार ने मंच से कहा कि पूर्व सांसद आनंद मोहन से हमारा पुराना पारिवारिक रिश्ता है। कल के कार्यक्रम के सफल आयोजन के बाद आज पूर्व सांसद आनंद मोहन के गंजला आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सांसद आनंद मोहन ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहे कि स्वतंत्रता सेनानी स्वशून्य राम बहादुर सिंह और स्वशून्य पद्मानंद सिंह ब्रह्मचारी की प्रतिमाओं का अनावरण करने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए थे। मैं उनका दिली की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ और उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ जो ईमानदारी से इस कार्यक्रम को सफल बनाए हैं। आगे श्री आनंद ने कहा कि पंचगछिया गांव के विकास के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। जल्द ही शिष्टमंडल के साथ मुख्यमंत्री से मिलूंगा और आज़ादी के कई दशकों के बाद भी आज तक पंचगछिया गांव का विकास नहीं हुआ है, उसे रफ्तार पकड़ाने का काम करूंगा। हमने सार्वजनिक मंच से इसके लिए उनका आभार जताया है। कि उन्होंने महान स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति के अनावरण के लिए अपना वक्त निकाला। 75 पंचगछिया ग्रामवासी के लिए ये एक बड़ी बात थी कि वो श्रद्धा सुमन अर्पित करने मेरे गांव आए। गांव के अभी तो हम कोसी पर नहीं, वो आए थे मेरे गांव तो 75 पंचगछिया के विकास के लिए हमने जो मंच से उनको याद दिलाया, उसके बाद मेरे भाषण के बाद अपने संबोधन के पूर्व उन्होंने कहा कि जो भी मूलभूत समस्याएं यहाँ की हैं वो इस बात से अवगत थे कि परतंत्र भारत में हमारा गांव काफी समृद्ध रहा और उसके बाद स्वतंत्रता के बाद जो यथोचित विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया, जबकि वहां एक से एक दर्जनों स्वतंत्रता सेनानी पैदा हुए, जिनका जिक्र मैंने किया कि कोसी का गांधी राम बहादुर बाबू, पद्मानंद सिंह जी ब्रह्मचारी, लक्ष्मण लाल दास, रतिलाल मिश्र, बैद्यनाथ ठाकुर, बहादुर ठाकुर, आपको चित्र नारायण शर्मा, ऐसे घनेरों नाम है। एक एक गांव में जहां मैं गया इस कार्यक्रम को लेकर, 1, 2, 4 ऐसे ब्रह्मी मंडल, ये सब शिवनंदन मंडल जी जो बाद में कानून मंत्री बने, वो ये सब दादाजी के मित्र हुआ करते थे, शिष्य हुआ करते थे। आजादी के बाद जो बिहार की और देश की राजनीति को अपने ढंग से प्रभावित किया, उनमें लाटन चौधरी, परमेश्वर कुमार, अनूपलाल यादव, तुलमोहन राम, ऐसे कई शख्सियत हैं जो दादाजी के, रमेश झा जी का नाम लिए नहीं, रमेश झा, ऐसे कई शख्सियत हैं जो आजादी के बाद बिहार की राजनीति को अपने ढंग से प्रभावित किया बिहार की राजनीति में। तो इतने बड़े व्यक्तित्व को लेकर अगर कोई आलोचना प्रत्यालोचना की जाती है, उस कार्यक्रम को लेकर चिल्पो मचाया जाता है, तो मैं ये मानता हूं कि ये
महापुरुषों का, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। कोई व्यक्तिगत विद्वेष किसी का हो सकता है आनंद मोहन से, हमारी राजनीति से, लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों के मामले में मैं कहूंगा कि उनका लिहाज भी होना चाहिए और ऐसे किसी भी काम के पहले इन बातों से परहेज भी होना चाहिए, ये मेरा आग्रह। चर्चा ये भी है कि जल्द से जल्द जो है पूर्व सांसद नारायण मोहन जी जेडीयू को ज्वाइन करेंगे, क्या इसको क्या कहेंगे आप? अच्छी बात है, जिस दिन ज्वाइन करेंगे उस दिन आप लोगों को मिठाई बांट देंगे।